आदरणीय अभिभावकगण, अध्यापक वृंद एवं प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद हर साल बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल सप्ताह का आयोजन करती रही है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों को अपनी अलग अलग प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का मौका मिलता रहा है। लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी के चलते ये विशाल प्रतियोगिता अलग तरह से आयोजित होगी। तो 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अपने 2 से 3 मिनट का वीडियो बना करके childwelfarehariana.com/balmahotsav पर अपलोड कर सकते हैं। इसमें 23 विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। अलग अलग आयु वर्गों को अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 73 प्रतियोगिताओं में एक विद्यार्थी भाग ले सकता है। अब बस आपको करना इतना ही है कि अपना 2 से 3 मिनट का वो वीडियो जिसमें आप अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, चाहे वो आप नृत्य अच्छा कर रहे हों, आप बोल अच्छा रहे हों, आप दिया बढ़िया बना पा रहे हों, तो इस तरह के अलग अलग 73 प्रतियोगिताओं में अपने 2 से 3 मिनट का वीडियो अपलोड कर इस वेबसाइट पर अपलोड कर दें। 10 नवंबर तक ये वेबसाइट ओपन रहेगी, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाएगा और फिर जज पैनल अपना काम करेगा और आपकी उस 2 से 3 मिनट की वीडियो पर ही तय होगा कि आप ब्लॉक में प्रथम हैं, आप जिले में किसी पायदान पर पहुँचे हैं या राज्य स्तर पर कोई आपने स्थान हासिल किया है। तो मेरा अनुरोध सभी अभिभावकों से है, सभी अध्यापक साथियों से है और उन प्यारे विद्यार्थियों से है जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाह रहे हों, और अभिभावकों से ये अनुरोध रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, और अध्यापकों से ये अनुरोध रहेगा कि वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को ही प्रोत्साहित करें ताकि उन्हें कि मंच मिले। कई बार हम एक विद्यार्थी को मंच का फोबिया होता है, वो मंच पे आके अपनी बात नहीं कह पाता है, तो इस तरह का डर यहाँ उनको नहीं होगा। वो एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपनी बात को उन्हें कहना है तो उन्हें ये आसानी रहेगी। तो इस बार एक अवसर है उन विद्यार्थियों के लिए भी जो मंच के भय की वजह से सामने नहीं आ पाते, वो सभी विद्यार्थी भी एक बार इसमें अपना हिस्सा लें और अपना उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और यहाँ बढ़ा हुआ आत्मविश्वास जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें काम आएगा। तो विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हिस्सा लें, अभिभावकों से अनुरोध कि वो अपने बच्चों को इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें, और सभी अध्यापक साथियों से अनुरोध कि अपने स्कूल में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को ही इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ उन सभी विद्यार्थियों को मेरी पहले ही अग्रिम शुभकामनाएँ जो हिस्सा ले रहे हैं, और मैं अनुरोध करूँगा उनसे कि वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें और अपने देश, समाज और अपने परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद।